आज दिनांक 20/3/2018 को ब्यावर मंडल में CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटेड का रोल आउट किया गया। CSI लागू होने के पश्चात विभाग के सारे कार्य एक ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम किए जाएंगे। पहले विभाग में इस कार्य करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर थे। मैकम सॉफ्टवेयर जो मैकमिस का अलग था, पॉइंट ऑफ सेल का, पोस्टमैन मॉड्यूल, फिनाकल इत्यादि, ये सारे अलग थे। अब वर्तमान में जो CSI का जो रोल आउट किया गया, इसके बाद विभाग के सभी कार्य CSI लागू होने के पश्चात एक ही सॉफ्टवेयर में काम किए जाएंगे तथा इसके लिए आम जनता को इसका लाभ मिलेगा और सभी कार्य एक ही स्थान पर एक ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाएंगे। इसमें मैं मेरी ओर से हमारे सहायक अध्यक्ष श्री VS जैन, अमित जैन एंड DIT टीम के श्री OP शर्मा और प्रदीप गोयल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस पर बहुत बढ़िया मॉनिटरिंग करके हमारे ब्यावर को इस पायदान पे जो किया और इसका अधिक से अधिक जनता को फायदा होगा और समय की बचत होगी। ये आपके आज जो कोर सिस्टम आपने चालू किया, इसमें कितने ब्रांचेज वगैरह जुड़े हुए हैं आपके? 205 ब्रांचेज हैं और 37 जो SOs हैं, टोटल 242 ऑफिस होंगे। इनके लाखों खाताधारकों को इनके फायदा मिलेगा? जी जी, लाखों। तो इसमें आपको एक ही काउंटर पर आपको रजिस्ट्री, एक ही काउंटर पे सर किसान विकास पत्र, PLI वगैरह सारी एक ही काउंटर पर टाइम में, एक ही टाइम में जो भी जिसको सर्विसेज हैं वो उसमें लॉगिन करते ही उसकी सेवा देती है। ब्यावर हेड ऑफिस में कुल कितने काउंटर काम करते हैं? 6 काउंटर है। तो ब्यावर के सारे पोस्ट ऑफिस भी इससे जुड़ गए? ब्यावर डिवीजन की जो 37 ऑफिस है वो पूरा सिस्टम के साथ हमारा कनेक्टिविटी हो चुका है जी, और वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन का कार्य खत्म हो चुका है। ओके, ये आप यहाँ पे क्या कार्य कर रहे हैं? ये सर CSI में माइग्रेट हुआ है, जो कोर सिस्टम इंटीग्रेशन है, जिसके तहत ये ऑल इंडिया आपस में लिंक हो गए हैं। अब किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर ऑनलाइन बेस्ड है, आप कोई भी सर्विस यहाँ से परचेज कर सकते हो, उसका उपयोग किसी भी अदर ऑफिसेज में कर सकते हो। ये मतलब आपको ऑल इंडिया को एक साथ जोड़ता है पोस्ट ऑफिस की सेवाओं। तो पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? इनको ये फ़ायदा मिलेगा, उनकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, एक्यूरेसी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, आप ट्रैक एंड ट्रेस कर सकते हो आर्टिकल, जो ये फिनिकल वगैरह पैसे है, बैंकिंग की तरह सुविधा है, ATM वगैरह सारी है। अप्रैल मंथ के बाद आपको इसमें मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग ये सारी सुविधा भी मिल जाएगी। अभी जैसे कुछ टाइम से हमारे कैब सब्सिडियाँ या अदर सोशल सब्सिडीज भी डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स में आने लग गई हैं, ये सारी नई वाली फैसिलिटी इनमें जुड़ने लगी।